दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसा होता होगा कि आप बार बार किसी काम को किए जा रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, और अगर एक बार आपकी सोच बदल गई तो आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो वाकई में कुछ अलग होने वाली है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कुछ अलग हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्स के फ्लो का ये सफर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, कोलंबिया में रहने वाली इस लड़की का नाम शकीरा है, और इसे एक बार ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल एक बकरी के बच्चे जैसी है। दोस्तों सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा कह दे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है कि एक आम इंसान अंदर से पूरा टूट जाएगा। ये सुनकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि वो अपनी आवाज़ को लेकर अब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि आज की तारीख में शकीरा इस पूरी दुनिया के टॉप सिंगर्स में से एक हैं। तो जरा सोचिए कि शकीरा में ऐसा क्या था जो उसने इतने बड़े रिजेक्शन के बाद भी इतना बड़ा रुतबा हासिल कर लिया। तो उसका सीधा सा जवाब है मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, बुगाती कार के बारे में आपका क्या ख्याल है? दुनिया में सबसे तेज चलने वाली और सबसे महंगी कारों में से बुगाती चौथे नंबर पर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप ये बताइए कि क्या आप बुगाती नाम की इस कार को खरीद सकते हैं? चलिए खुद की छोड़िए, ये बताइए कि क्या एक माली का लड़का इस गाड़ी को खरीद सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि तकरीबन 65 करोड़ रुपए की इस कार को एक माली के लड़के द्वारा खरीदना तो बेहद मुश्किल है, तो आप गलत हैं जनाब। एक माली जिसके पास साइकिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके बेटे के पास आज दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाती है, और इसी लड़के को इसकी टीचर ये कहती थी कि ये फुटबॉल तुम्हें खाने को रोटी नहीं देगी। आज वही लड़का दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है, जिसे पूरी दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है। फैक्ट नंबर 5, एक बच्चा जिसे समाज और दुनिया वाले गर्भ में ही मार देना चाहते थे, ये कहकर कि ये एक नाजायज औलाद है, लेकिन उस बच्चे की मां ने पूरी दुनिया के खिलाफ होकर अपने बच्चे को जन्म दिया। और क्या आप जानते हैं कि आज वही लड़का दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबके चहेते जस्टिन बीबर की। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया कहती थी कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, ये जो करना चाहता है वो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी इंसान ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाया, जिसका नाम है इलोन मस्क, जो कि टेस्ला मोटर्स के CEO हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या हो अगर आपको किसी काम के लिए रिजेक्ट कर दिया जाए? भाई जाहिर सी बात है, ऐसे में हर किसी का दिल टूट जाता है कि उसे किसी कमी के चलते रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मान के चलिए आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आप उसी काम को करने के लिए एक और कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और इसी तरह आपके बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको सिर्फ रिजेक्शन ही मिलती रहे तो क्या होगा? जाहिर है कि बार बार ऐसा होने से तो आप थक जाएंगे और ये कहकर हार मान लेंगे कि ये सब कुछ पाना तो आपके नसीब में ही नहीं है। जी हाँ, आखिर में बात नसीब पर छोड़ दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी जैक मा का नाम सुना है? इन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 30 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज वही इंसान चीन का सबसे अमीर इंसान है। फैक्ट नंबर 2, अब ये फैक्ट उनके लिए हैं जो ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अपने दम पर वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुनिए, एक ऐसा इंसान जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और अपने बचपन में वो न्यूज़पेपर बेच-बेचकर अपने परिवार को चलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ये नहीं सोचा कि उनसे कुछ हो नहीं सकता। जी हाँ, तभी तो आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। अगर वो उस दिन हार मान लेते जिस दिन न्यूज़पेपर बेच रहे थे, तो बताइए कि आज उन्हें आप जानते?
फैक्ट नंबर फर्स्ट, दोस्तों अब जिस इंसान से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या एक इंसान इतना भी मोटिवेटेड हो सकता है। इनसे मिलिए, इनका नाम है निक विजेसिक जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। निक का जन्म बिना हाथ और पैरों के हुआ था। कई डॉक्टर्स ने निक का इलाज करने की बहुत कोशिश भी की लेकिन वो असफल रहे। निक को हमेशा इस बात का आश्चर्य था कि वो दूसरों से इतने अलग क्यों हैं। वे बार बार यही सोचते थे कि अगर उनका जन्म होना ही था तो इस हालत में ही क्यों हुआ, जिससे वो खुद से चल भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों निक ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी में दूसरों की तरह खुशी खुशी रहेंगे, हर वो काम करेंगे जो वो कर सकते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज निक एक लेखक और संगीतकार होने के साथ साथ पेंटिंग, फिशिंग, स्विमिंग और स्काई डाइविंग में भी रुचि रखते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि निक एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो दोस्तों जिस इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, दरअसल उसी इंसान ने आज वो सब कुछ कर लिया जो वो करना चाहता था। आज निक खुद मोटिवेट हैं, इसीलिए दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर वो उस वक्त हार मान लेते तो आज शायद उन्हें कोई जानता तक नहीं। तो दोस्तों आप सभी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में चाहे लाख ऐसी दुविधाएं आ जाएं जिनसे लड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप कभी हार मत मानना। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस इंसान के पास हाथ और पैर तक नहीं थे उसने अपने सपनों को साकार कर दिखाया, तो फिर आपके पास तो सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप सोचते हैं वो हो सकता है और जो हो सकता है उसे आप कर सकते हैं। बस एक कोशिश की ही तो ज़रूरत है, कोशिश कीजिए, सब कुछ होता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा और इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।